बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है इस वक्त की, ब्रेकिंग A1 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वन्य जीव प्रेमियों का आंदोलन मामला आखिरकार रंग लाया। आंदोलन जो किया था उन्होंने, प्रशासन और आंदोलनकारियों में सहमति बनी है और उच्च स्तरीय वार्ता हुई और इस वार्ता में सभी मांगे मानी गई है। कि बीकानेर से बड़ी खबर है और इसमें अभी जो एक्शन हुआ है उसमें छतरगढ़ रेंजर और SHO का तबादला हो गया है और SC ST मामले की भी निष्पक्ष जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ASP बीकानेर इस मैटर में पूरी जानकारी खुद लेंगे शिकारियों के मामले में। और इस विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया, उनका इस पूरे मामले में विशेष योगदान रहा है। नोखा विधायक बिहारी लाल भी इस तमाम घटनाक्रम में मौजूद रहे। और इस मामले में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं बीकानेर A1 संवाददाता रवि विश्नोई के पास। जी रवि, पूरे दिन में घटनाक्रम चला, क्या कुछ रहा और अभी क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल विक्रम जी, ये घटनाक्रम जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, यहाँ पर वन्य जीव प्रेमियों की जीत हुई है और प्रशासन ने इनकी सभी मांगे जो है मान ली है। उच्च स्तरीय बैठक जो है ये काफी देर से चल रही थी, 2-3 दौर की वार्ता यहाँ पर हुई है और उसके बाद में जो छत्तरगढ़ रेंज के वन विभाग के जो रेंजर हैं उनका तबादला वहां से कर दिया गया है। साथ ही वन्य जीव प्रेमियों की डिमांड थी कि SHO जय कुमार भादू, जिनकी लापरवाही समूचे मामले में सामने आई थी, उनका भी तबादला बीकानेर कर दिया गया है। वो SP ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और इसके साथ सबसे अहम जो फैसला यहाँ इस बैठक में हुआ है वो ये हुआ है कि वन्य जीव प्रेमियों पर जो मामला ST SC का दर्ज हुआ था, उस मामले में अब एक निष्पक्ष जांच के लिए एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को तैनात किया गया है जो इस समूचे मामले की जांच करेंगे, ताकि वन्य जीव प्रेमियों के साथ पिछले कई दिनों से जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही थी, जिस तरह का पुलिस का दबाव बन रहा था, उस दबाव में कहीं कमी आए। और साथ ही वन्य जीव प्रेमियों की ये तमाम जो मांगे हैं ये यहाँ पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में यहाँ पर मानी गई है, जहाँ पर विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया, भाजपा के नोखा से विधायक बिहारी बिश्नोई और साथ ही जीव रक्षा संस्था के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल थे, जो यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे थे। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से ये मामले का पटाक्षेप हुआ है और मांगे मान ली गई है, लेकिन वन्य जीव प्रेमियों और प्रशासन के बीच में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, शिकारियों के हौसले बुलंद रहते हैं, तो क्या इस मीटिंग में कुछ और ऐसा कुछ तय किया जा रहा है जिससे ये घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति पर रोक लगे? बिल्कुल विक्रम, आपने सही कहा कि जहां भी प्रकृति से जुड़े हुए संसाधनों का ह्रास होता है वहां पर वन्य जीव प्रेमी और खासतौर से बिश्नोई जो समुदाय है वो सामने आता है। और उसके बाद में लगातार वन्य जीव प्रेमियों की जो मांग होती है वो यही होती है कि जो बेजुबान जानवर हैं उनके जो शिकार आए दिन हो रहे हैं, यहाँ तक कि इन लोगों का ये तक कहना है कि हिरणों का शिकार होता है और उनका मांस होटलों पर बिकता है, और ये तमाम जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं वन विभाग से भी छुपी हुई नहीं होती और पुलिस से भी छुपी हुई नहीं होती। परंतु इस बार छत्तरगढ़ में जो मामला देखने को मिला वो काफी उल्टा मामला था। यहाँ पर राजनीतिक दबाव के चलते वन्य जीव प्रेमी जिन्होंने शिकार को रंगे हाथ पकड़ा था और एक हिरन को वहां बरामद किया था, शिकारी को रंगे हाथ पकड़ा था, उन्हीं को उल्टा दबाव में लाने के लिए उनके ऊपर ST SC के मामले दर्ज हो गए थे। ये तमाम जो बातें हैं कहीं कहीं आज विश्नोई महासभा के पदाधिकारी और वन्य जीव संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो प्रशासनिक के सबसे ऊंचे अमले को समझाने में कामयाब रहे और उसके बाद में यहाँ पर ये सहमति बनी कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है प्रथम दृष्टया, उनका तबादला वहां से कर दिया जाए। और भविष्य में एक ऐसी सहमति बनाने का यहाँ प्रयास किया गया है कि जब भी वन्य जीव प्रेमी अगर इस तरह की कोई शिकायत करते हैं वन संपदा को और वन के जानवरों को बचाने के लिए, तो उसको संवेदनशीलता के साथ देखा जाए। जी बिल्कुल, वन्य जीव प्रेमियों के आंदोलन में आज आंदोलन रंग लाया और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि बिश्नोई, A1 संवाददाता बीकानेर, पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे। तो अभी बीकानेर से ये बड़ी खबर जिसमें उच्च स्तरीय वार्ता में जो वन्य जीव प्रेमी थे उनकी सारी मांगे मान ली गई है, छतरगढ़ रेंजर SHO का तबादला भी किया गया है और SC ST मामले की भी निष्पक्ष जांच होगी। इस वक्त की खबर।